नारायण 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 नारायण। अथ षष्ठोध्याय, भागवत के 12वें स्कंद का 6ठा अध्याय। परीक्षित की परम गति, जनमेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। श्री शुक जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, व्यास नंदन, श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादिदिदनो हरि। भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवनमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। अज्ञानम च निरस्तम मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। श्री सुखदेव भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय
उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब ये ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनक आदि ऋषियों मुनिकुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे, तो तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुमियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। परम भागवत परीक्षित जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि परीक्षित जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जब जनमेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जनमेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्नि कुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जनमेजय बड़े बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जनमेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्नि कुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा।
अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जनमेजय से कहा, नरेंद्र सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जीवितम मरणम जंतोर गति ही स्वेनैव कर्मणा। राजन, ततो अन्यो नान्यस्य प्रदाता सुख दुखयो। जनमेजय, यो तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जनमेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जनमेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत ये जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके और उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो, यह दंभी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगता है, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष हैं। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, तो लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी उस समय शांत हो जाता है जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप परमात्मा
न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। परम पदम वैष्णव मामनंति तद यन्नेति नेति त्यदुत्सिक्षव सिसृक्षव विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत ही बड़ी दुर्जनता है। अहम ममेति दौर्जन्यम नयेषाम देह गेहजम। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। अतिवादांस तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन न चैमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरणों कमलों के ध्यान से मैंने इसे श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेदसे यत्पादामुरुह ध्यानात् संहिता मध्यगामिमाम। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पहल और महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, ब्रह्मन, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि के स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उस अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिसमें
जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाथ नाद से ये अकार उकार और मकार रूप तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। ओम तत्सत। ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी वो जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के तीन वर्ण हैं, अ उ और म। यही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों ऋक यजुः साम, इन तीन नामों उह वह स्वः, इन तीन अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ यरलव उष्म शशसह स्वर प से औतक स्पर्श क से मातक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त ये अक्षर समामनाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋतिजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। ये सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनमंत्र में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। श्री वेद व्यास जी महाराज की। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में
वेद के चार विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, ऐसे ही महामति भगवान वेद व्यास ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजुः, साम और अथर्व ये चार संहिताएं बनाई और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहुरिच नाम की पहली ऋग संहिता पहले को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छांदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वांगी रस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी पैल मुनि ने अपनी संहिता के दो विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे को पाशकल को कराया। पाशकल ने भी अपनी शाखा के चार विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुकेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुकेय के पुत्र का नाम था शाकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के पांच विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गौखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के तीन विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और वीरज को पढ़ाया। पाशकल के पुत्र पाशकली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बाला यानी वज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बहुरिच शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। श्रुत्वे तच्छन्दसाम व्यासम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे, उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैतरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो, इसके लिए
सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते आदित्याय। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेश आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभो, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके तेजो में मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपने दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा भी मुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसी यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। श्री सूर्य नारायण भगवान की। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्णव, माध्यंदिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं,
कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती है, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कोसलदेश निवासी हिरण्यनाभ, ओशन जी और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। ओशन जी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। ओशन जी के और भी शिष्य थे, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, उसीर और कुक्षी। इनमें से प्रत्येक ने 100-100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। श्री वेद भगवान की जय।